हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए, आज और होली आने वाली है, तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इस कटोरी के से लगभग 3 से 4 कटोरी के लगभग मैंने आटा लिया है, जो आप देख सकते हैं। इसमें कुछ मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कलौंजी मैंने आधी चम्मच के लगभग लिया है, आधी चम्मच से 1 चम्मच के लगभग मैंने अजवाइन लिया है, काला नमक आधी चम्मच के लगभग है, और आधी चम्मच मैंने सफ़ेद नमक मिलाकर कुल मिलाकर के 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैंने नमक यहाँ पे यूज किया है। जीरा मैंने लिया है, यहाँ पे ये भुना हुआ जीरा है, इसे मैंने पीसा नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इन सारे सामग्रियों को अच्छे से आप मिक्स करें, सबसे पहले इन सबको मिक्स करें। मिर्च पाउडर भी आप थोड़ा सा चुटकी भर डाल दें, जिससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लें। 1 कप के लगभग मैंने यहाँ पे घी लिया है, जिससे ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी होता है। इसे आप डाल करके अच्छे से मिक्स करें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये मुट्ठी की तरह बंधने लगे, तब जा करके आप इसे इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके, यहाँ ध्यान रखें, इसे अच्छे से मिक्स करें, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें इसे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आप इसमें थोड़े से, मैंने 1 कटोरी के लगभग आप देख सकते हैं मैंने पानी लिया है। यहाँ पे मैंने, देख रहे हैं आप, मुट्ठी की तरह ये बंध रहा है, इसी तरह का होना चाहिए, तभी आप इसमें पानी ऐड करें। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ मेथी के कस्तूरी मेथी लिए हैं, इस ये डाल देने पे भी इसका टेस्ट बहुत ही और अच्छा बन जाता है। आप लोग के पास अगर हो तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों को दिया है, आप लोग ज़रूर सर्च कर सकते हैं कस्तूरी मेथी कैसे बनाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसे आटे की तरह गूँथ ले, सॉफ्ट ना गूँथे, बिल्कुल टाइट रखे इसे इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पे आटे को गूँथ लेती हूँ, और इसे 2 मिनट के लिए आप रेस्ट पर, 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखें, जिससे ये और भी सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कितना टाइट या है, अभी इसको रेस्ट पे रखेंगे तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा और इसे आप मिक्स करें, आप देख सकते हैं 2 चम्मच के लगभग ही पानी यहाँ पे बचा है, सारे पानी इसमें लग चुके हैं। आप देख सकते हैं 2 मिनट के लिए मैंने इसे 2 से 20 मिनट के लिए आप इसे ज़रूर रेस्ट पे रखें, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं फिर से इसे गूँथ ले अच्छे से, जिससे ये पूरी तरह से सॉफ्ट बने और इतनी टेस्टी बनेगी कि मैं क्या बताऊँ। एक बड़ा सा रोल इसका काट लीजिए, और आप इसे इस तरह से चकले पे रख करके बेलन की सहायता से इसे बराबर से फिर बेलते जाइए, और इसे ज़्यादा पतला ना करें, हल्का सा मोटा भी रखें। देखिए इस तरह से आप भी मोटा रखें, और नाइफ़ की सहायता से इसे कट लगा ले। अब इस तरह से ट्रायंगल साइज में मैं यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ, जिसे आप लोग भी इस शेप में बना सकते हैं। कई तरह की शेप मैं यहाँ पर दी हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने टेस्टी और यम्मी, कोई बोल भी नहीं सकता कि ये आटे के बने हुए हैं नमक पारे, इतने टेस्टी और यम्मी लगेंगे कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने की इच्छा होगी। इस तरह से आप भी कट करें ट्रायंगल साइज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे ट्रायंगल बना चुके हैं, इसी तरह से आप भी बना लें। और फॉर्क की सहायता से इसे बीच बीच से फॉक से इस तरह का डिज़ाइन दे दे, और जिससे ये फूलेगा नहीं और भी क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे इसी तरह से बनाए हैं, आप भी इसी तरह से बना ले। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है, पहले तेज फ्लेम पे गर्म करें, फिर धीमा फ्लेम करके ही डालें, एक बार में अधिक न डालें, कम ही डालें, जिससे पलटने उलटने में आपको आसानी हो। इस तरह से आप भी, आप देख सकते हैं तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब आप इसमें इसे डाल करके अच्छे से गोल्डन होने तक आप इसे बनाएँ, छाने, और देख सकते हैं, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और टेस्टी होगा। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में है, जो आप लोग घर पे बहुत ही आसान और बहुत ही कम सामग्रियों से बनाएंगे। तो एंजॉय कीजिए इस तरह की रेसिपी। थैंक यू, धन्यवाद।